किसी इंसान को लखपति बनने की खबर तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक बंदर लखपति बन गया, वो भी एक झटके में? जी हाँ, ऐसा हुआ है जनपद रामपुर में, जहाँ शाहबाद तहसील में एक बंदर पल भर में लखपति बन गया। बता दें कि रजिस्ट्री ऑफिस में बेनामा कराने आए एक युवक की मोटरसाइकिल से बंदर 1,00,000 रुपए लेकर पेड़ पर चढ़ गया। दरअसल ये हैरान कर देने वाला मामला शाहबाद तहसील का है, जहाँ मोहल्ला जिले दारन के रहने वाले अबरार हुसैन तहसील में बेनामा कराने के लिए आया था। उसने 1,00,000 रुपए एक बैग में रखे थे, जिसे वो मोटरसाइकिल में रखकर वकील के पास चला गया। इतनी देर में एक बंदर आया और उसकी मोटरसाइकिल में रखा 1,00,000 रुपए का बैग निकालकर पेड़ पर चढ़ गया। ये देख युवक के होश उड़ गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद बंदर से रुपए छीने गए। अरे जल्दी पहुंच जाओ तहसील में बंदरों का आतंक, गाड़ी के बैग में से निकाल के ले गए रुपए। जो ऊपर को चला जाते ना वे ऊपर को लटक के आओगे नीचे को। तहसील भवन क्षेत्र में बंदर अक्सर ही रुपए से भरे बैग ले उड़ते हैं। उप जिलाधिकारी शाहबाद अनिल कुमार ने बताया, यहाँ पर बंदरों का आतंक ज्यादा देखने को मिल रहा है। बंदरों की संख्या कम करने के लिए किसी प्रोफेशनल का पता लगाकर बुलाया जाएगा और कुछ बंदरों को पकड़वा कर सेफ सुरक्षित तरीके से किसी जंगल में भेजा जाएगा। इसमें इधर बंदर का प्रकोप कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो बंदर की संख्या कम करने के लिए कुछ प्रोफेशनल को पता लगा के बुलाया जाएगा और कुछ बंदरों को यहाँ से पकड़वा करके और सेफ सुरक्षित तरीके से किसी जंगल में भेज के उसकी संख्या कम की जाएगी। हर संभावना है कि हम पूरे तहसील लेवल पे कर पाए, लेकिन जो भी यहाँ पे तहसील में जो स्थान है, तहसील है आपका, नगर पालिका नगर पंचायत का एरिया है, तो 2-3 जगह पहले कम करने का प्रयास करेंगे। पूरे तहसील क्षेत्र में करवाने के लिए प्रधानों से बैठक करके तब निर्णय लेकर बताया जाए। जाई कोर तहसील में बंदरों का आतंक चरम सीमा पर है। वही तहसील के अलावा भी नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन बंदर घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर अब प्रशासन के भी कान खड़े हो गए हैं और अधिकारी भी अब इन बंदरों के आतंक से नगर और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बंदरों को पकड़वाने की बात कह रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।